नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। आज ज्योतिर्स्तम चौक पर राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। अधिक संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता ज्योतिर्स्तम चौक गंजवासुदा पर एकत्रित हुए और सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गाड़ी में केंद्र सरकार का पुतला लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताएं, जैसे ही पुलिस वालों ने गाड़ी में पुतला देखा और पुलिस और कार्यकर्ताओं में पुतला छुड़ाने के लिए झूमाछटकी करते रहे। आखिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला में आग ज्वली कर दी। फिर भी पुलिस वालों ने आग ज्वले हुए पुतला को छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ जल गया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया और नारेबाजी करते रहे। पूर्व विधायक निशांक जैन एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र की हत्या करते हुए केंद्र सरकार ने माननीय राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त की है, उसके खिलाफ आज हमने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो हम ब्लॉक स्तर पर हर बूथ पर गांव में ब्लॉक धरना प्रदर्शन करेंगे। इस धरना में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विकास शर्मा, विष्णु प्रसाद शर्मा, राजकुमार सेन, ब्रजेश लोधी, बीडी शर्मा, कृष्ण मोहन शर्मा एवं समस्त ब्लॉक कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता एवं महिला कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता पुतला दहन के समय उपस्थित रहे। गंज बासुदा से संवाददाता ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए केंद्र सरकार के दबाव में लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल जी की सदस्यता निरस्त की है, उसके विरोध में आज गंजवासुदा की कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। और जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होती, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे जिले में और पूरी गंजवासुदा विधानसभा में हर जगह प्रदर्शन किया जाएगा। बूथ स्तर पर पुतला जलाया जाएगा। शीघ्र हम गंजवासुदा विधानसभा की 256 बूथों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। नगर के हर वार्ड में धरना दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पे धरना दिया जाएगा। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे।